हम सबके बचपन की फेवरेट माइटी मूवमेंट पावर रेंजर्स लौट आया है। वंस एंड ऑलवेज पावर रेंजर्स शो 30 एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए जितने भी ओल्ड रेंजर्स था वो सब भी लौट आए। माइटी मूवमेंट पावर रेंजर्स वंस एंड ऑलवेज के लिए कौन कौन एक्साइटेड हो कमेंट में बताओ। साथ ही इस ट्रेलर में बहुत सारे ईस्टर एग्स से भरे हुए है। उन सब के बारे में डिटेल जानने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों से शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। ट्रेलर की स्टार्ट में हम देखते हैं सबकी फेवरेट एंड सबसे पहला क्लासिक विलन रिटा रिपल्जा को, जो लौट आया है उसकी पूटी प्रोटलर्स के साथ। साथ ही रेंजर्स की गांड मन ने बचपन से सोचता था मैं साला ये नाम कहां से पाया, पूटी प्रोटलर छोड़ो बात। रिटा जो आप एक साइबॉर्ग की, रिटा को आखिरी बार मिस्टिक फोर्स में देखे थे, वेयर सी वाज मिस्टिक मदर एंड मिस्टिक फोर्स में रेंजर्स की मदद भी किया था। साला इस साइबॉर्ग बना कैसे, मैं गलत नहीं हुआ तो इसे डिफेक्ट कर चुका था रेंजर्स, बहुत साल की पुराना याद है। आपको कुछ याद है तो कमेंट में बताओ। प्रोबेबली ये सीन आखिर का होगा क्योंकि इस जगह हम सब सारे रेंजर्स को देखते ही मेरा क्वेश्चन है, माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स में टॉमी पहला ग्रीन बाद में व्हाइट रेंजर था, लेकिन इस ग्रीन रेंजर की कहानी क्या है। ब्लू रेंजर बिली है, पिंक केट, रेड रॉकी, येलो ट्रिनी की लड़की मिनिकवा, ब्लैक रेंजर जैक है। साला फिर एक कौन है, क्योंकि टॉमी ओलिवर की रोल करने वाला जेसन डेविट की मौत हो चुका है लास्ट नवंबर में, जिस वजह से उसकी रोल कर रहा है कौन, शायद टॉमी का लड़का हो। एंड इस सीन में हमें पता चला कि ट्रिनी अब नहीं रहा, ट्रिनी की रोल करने वाली थाई ट्रंग, शायद मेरा सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा है मगर जापानीज में मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ। अनफॉर्चुनेटली 2001 में कार एक्सीडेंट में गुजर जाती है एंड ट्रैंग को रिस्पेक्ट देते हुए पावर रेंजर्स वंस एंड ऑलवेज में उसकी मौत रीता के हाथ में हुआ। ट्रिनी की एक लड़की है मिनकावा, जो बाद में येलो रेंजर बनने वाला है। जैक की रोल में वॉल्टर इमानुएल जोन्स भी लौट आया है, जो माइटी मूवमेंट पावर रेंजर्स की फर्स्ट ब्लैक रेंजर, हम फिर से उसकी क्रेजीनेस को देखने वाले हैं। एंड विली की रोल में डेविड योस्ट भी लौटा है, जो माइटी मूवमेंट पावर रेंजर्स की फर्स्ट ब्लू रेंजर है, जिसकी ब्रिलियंट माइंड की खेल दोबारा देखने में मजा आएगा। विली के आखिर बार हम सबने देखे थे वो अर्थ को छोड़ के पावर रेंजर्स इन स्पेस की मदद करने चली जाती है, फिर वो यह कैसे आया ये सब भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद माइटी मूवमेंट पावर रेंजर्स की जान कह सकते हो अल्फा 5 भी लौटा है एंड उसकी वॉयस एक्टर रिचर्ड हार्विस भी वापस आया है। ओरिजिनल येलो रेंजर यानी ट्रिनी की मौत का बदला उसकी डॉटर मिनकवा लेने वाला है रीटा से। इस सीन में हम देखते हैं कि रीटा ने एक टाइम पोर्टल बना रही है, जिससे कि वो टाइम में पीछे जाके, यानी जब इन सब पावर रेंजर्स को पावर ही नहीं मिला था तब इन सब की काम डाल दे, बिल्कुल टर्मिनेटर वाला मूवी जैसी। कैथरीन सटरलैंड कैट की रोल में बैक कर रही है। किम्बरली की बात केटी ही सेकंड पिंक रेंजर थी और किम्बरली किस किस का क्रश था कमेंट करो। साथ ही स्टीव गार्डेनेस रॉकी की रोल में लौट रहा है, जैसन की बात सेकंड रेड रेंजर रॉकी था। हम आयशा एंड एडम को भी देख सकते हैं, जो सेकंड ब्लैक एंड येलो रेंजर थी, मगर एक सूट पहना है जिसमें एसपीए लिखा है, वो बिल्कुल स्पीडी पावर रेंजर्स की सूट जैसी है। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या रहा है, इसे छोड़ो। इस जगह को आप सब पहचाने, ये जगह वही है जिस जगह ये सब कहानी शुरू हुआ था। बचपन का याद आ गया यार, क्या दिन था वो, स्कूल से आते थे टीवी खोल के सामने बैठ जाते थे। एक क्वेश्चन है मुझे, ये सब लौट रहा है तो क्या स्कल एंड बल्क भी लौटेगा, क्या पता कुछ भी हो सकता है। एक टाइम था जब स्कल एंड बल्क को देखते थे तब बहुत ही गुस्सा आता था मुझे, मगर अब खुश होती हूँ। आखिर में माइटी मॉर्फिन की हर एक शॉट्स को देखते हैं हम, किसी को याद है ये जोट खत्म हो चुका था, रीटा की हाफ ब्रदर रीटो रिवाल्डो पास्ट में जाके थंडर जोट लेके रखा था, जिस वजह से सीजन 3 में इन सबको नया जोट एंड नया पावर मिला। शायद इन सबका जवाब भी इन टाइम ट्रेवल मिशन में मिलेगा हम सबको, इन सब डाउट को भी तभी क्लियर हो। मेगाजोट के लिए कौन कौन आखिर तक इस शो को देखते थे एंड किस किस का ऐसा सबसे ज्यादा फेवरेट पावर रेंजर शो रहा, क्या दिन था वो यार। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों से शेयर करना एकदम नहीं भूलना। फिर मुलाकात होगी दूसरी किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में।